जिंदुसम कुमार और आप देख रहे हैं अनुज कृष्ण। आज का ट्यूटोरियल बहुत ही स्पेशल है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे आपको जो है डार्क सर्कल किसी फोटो में से उसके अंडर आइज जो है कैसे उनको सही करना है। तो बहुत ही आसान वे है इसको करने के लिए। तो सबसे पहले आपको इसकी कॉपी बनानी है, जिसके लिए हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इसके बीच में एक हम नई लेयर बनाएंगे। तो ये जो लेयर है टॉप लेयर, यहाँ से हमें जो टेक्सचर चाहिए ताकि हम जो नीचे वाली लेयर है उसके साथ इसको क्लिप करके डिटेल जो है वापस ला सकें। तो इसके लिए मैं फिल्टर और यहाँ पे अदर और हाई पास। तो यहाँ पे आपकी जो आपको वैल्यू जो रखनी है वो डिपेंड करता है कितना टेक्सचर आपको डालना है। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना टेक्सचर ज़्यादा आएगा। फिलहाल इस केस के अंदर मैं 4 जो इसकी वैल्यू है रखने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम जो हम ये वैल्यू को यूज़ करते हैं 1-2 के बीच में ही यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे जो है टेक्सचर, तो इसका जो ब्लेंडिंग मोड है, जो ब्लेंडिंग मोड इसका जो हम रखने वाले हैं ओवरले, और इसको मैं इसके साथ क्लिप करने वाला हूँ इस लेयर के साथ। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो हमने यहाँ पे जो है इसको क्लिप किया। अब हमें ब्रश लेना है। ब्रश के अंदर स्पेशली आपको पेस्टी 100 रखनी है। फ्लो की वैल्यू 4 या 5 भी हम रख सकते हैं। मैं फिलहाल इस केस के अंदर जो है इसकी वैल्यू 4 रखने वाला हूँ। आप ब्रश अप्लाई करेंगे और उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक सिलेक्शन। जो सिलेक्शन लेनी है अंडर आई के नीचे जो भी कलर आ रहा है, तो वहाँ से हम एक सिलेक्शन लेंगे। उसके लिए मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा कीबोर्ड से और यहाँ से मैं सिलेक्शन लूंगा, और बहुत ही आसानी से आपको इसको रिमूव करना है। और हम इस लेयर के ऊपर इस ब्रश को अप्लाई करना चाहते हैं, और आप देखेंगे कि कैसे जो है बहुत ही आसानी से जो है ये जो डार्क सर्कल हैं इनको हम जो है रिमूव कर रहे हैं। तो फाइनली हमने डार्क सर्कल उनको रिमूव कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो इसका कलर है वो मैच नहीं हो पा रहा है अभी। तो इस तरह हमने जो है डार्क सर्कल रिमूव किए हैं। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हमें इसमें करनी पड़ेगी, जैसे कि हमें ओपेसिटी को एडजस्ट करना चाहिए ताकि ये और जो है अच्छा मिक्सिंग जो हो जाए इसमें। तो इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो ओपेसिटी है मैं कम करूँगा, अराउंड 80 के आसपास मुझे रखनी चाहिए। तो ये सारी जो लेयर्स हैं इनके लिए मैंने प्रीसेट बना के रखा हुआ है, जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जैसे इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद ये सारी लेयर्स आ जाएंगी, सिर्फ आपको जो है ब्रश अप्लाई करना होगा। तो जो कलर मैच करना है उसके लिए मैं एक यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर लेने वाला हूँ, जो कि होगी ह्यू एंड सैचुरेशन। तो सबसे पहले हम इसको इसके साथ क्लिप कर लेंगे, अगेन राइट क्लिक करेंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क, और यहाँ से जो है मैं ह्यू की वैल्यू को यूज़ करूँगा और जो है कलर को मैच करने का ट्राई करूँगा। तो यहाँ तक जो है वैल्यू ये है बिल्कुल सही। तो ये था बिफोर और ये था आफ्टर। तो बहुत ही ये आसान तरीका है, जिसके अंदर हमने लेयर्स यूज़ की हैं, टेक्सचर के लिए हमने हाई पास यूज़ किया है और कुछ एडजस्टमेंट लेयर भी हमने यूज़ किए हैं। तो ऐसे बहुत से जो वीडियोस हैं आते रहेंगे। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जो है नीचे दिए गए लिंक में हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको बाय कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई भी एक्शन प्रीसेट चाहिए, तो उसके लिए हमने प्रीसेट बना के रखा हुआ है। तो जस्ट ये जो है सारा वर्कफ्लो एक बार में अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ आपको जो है ब्रश यहाँ पे अप्लाई करना है।